जय हिंद। स्वागत है आपका हमारे इसी पाठशाला सेंटर यूट्यूब चैनल में। आज हम करेंगे आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के का अध्ययन, जिसमें हम शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य योजनाओं के बारे में पढ़ेंगे। संभवतः ये हमारे आर्थिक सर्वेक्षण का आखिरी वीडियो होगा, इसके बाद वीडियो नहीं आएगा। यदि बजट पर जरूरत पड़ी तो बजट पर वीडियो लाएंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि पिछले साल के बजट पर कोई प्रश्न पूछा जाएगा, ठीक है। इसलिए हम वैसे आर्थिक सर्वेक्षण के प्रश्नों को ले रहे हैं जो पिछले सरकार से ज्यादा जुड़ा ना हो डायरेक्ट, क्योंकि जैसी सरकार बदलता है थोड़ा बहुत प्रश्नों में चेंजेस देखने को मिल जाता है, ठीक है। तो शुरू करते हैं आज का प्रश्न। सबसे पहला प्रश्न है आज का, बालिका प्रोत्साहन योजना के अंतर्गत कितनी छात्रवृत्ति की पात्रता है, ठीक है। तो इसके आंसर हो जाएगा 3,000, ठीक है। इसका आंसर हो जाएगा 3,000। और इस प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा, ये जो है हमारे केंद्र प्रवर्तित योजना है, ठीक है। ये जो है हमारे केंद्र प्रवर्तित योजना है जो राज्य सरकार द्वारा लागू की जाती है। इस योजना अंतर्गत आपके ST SC या फिर BPL परिवार, क्या कहा हमने, ST SC या फिर BPL परिवार के तथा कस्तूरबा गांधी आवासीय विद्यालय के समस्त जो छात्राएं होंगी, याद रखिएगा हम यहाँ छात्राएं बोल रहे हैं, मतलब बालिका है ना, फीमेल, उनको हितग्राही मानकर ये पैसा दिया जाता है। साथ में जिनका 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है उनको दिया जाता है 3,000, ठीक है। जिसका 18 वर्ष पूर्ण हो गया होगा वो बालिक हों, वो इसकी पात्रता रखेंगे। दूसरी बात, ST SC BPL परिवार की जो छात्राएं हैं उनको ये लाभ दिया जाता है। अगला प्रश्न, मुख्यमंत्री उच्च शिक्षा ऋण ब्याज अनुदान योजना कब प्रारंभ की गई? इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, 2012-13, ठीक है, 2012-13। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा कौशल विकास का अधिकार अधिनियम किस वर्ष लाया गया? याद रखिएगा है ना, प्रश्न में आपको कुछ बातें छुपी होती है, ये मतलब ये अधिनियम की बात कर रहा है, मतलब ये हमारा कानून बन गया है। छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा जो कौशल विकास देना है वो अब कानून बन चुका है, वो योजना नहीं है। तो ये अधिनियम कब लाया गया था? तो ये अधिनियम लाया गया था 2013 में, ठीक है, 2013 में इस अधिनियम को लाया गया था। इस अधिनियम के अंतर्गत क्या होगा, 14 से 45 वर्ष आयु के सीमा के युवाओं को अपनी रुचि के अनुसार हुनर प्राप्त करने का अधिकार होता है ना। और इसके लिए हम इसके स्कूल या फिर कॉलेज मान ले, प्रशिक्षण केंद्र होती है लाइवलीहुड कॉलेज, ये लगभग आपके हर एक जिले में मिल जाएगी, ठीक है। लाइवलीहुड जो कॉलेज है ये आपके सभी जिलों में मिल जाएगी। यहाँ जितने भी जो 14 वर्ष से 45 वर्ष तक के आयु के जो व्यक्ति हैं उनको उनके रुचि के अनुसार कार्य सिखाया जाता है ताकि उनको भविष्य में काम मिल सके। छत्तीसगढ़ में कितने स्वामी आत्मानंद विवेका अंग्रेजी माध्यम विश्वविद्यालय सॉरी विद्यालय संचालित है? तो ये तो आपके दिन ब दिन बढ़ते जा रहे हैं है ना। अब इसमें आपको फिक्स नहीं कह सकते कि उत्कृष्ट इतने ही होंगे, लेकिन आर्थिक सर्वेक्षण के अनुसार इसका आंसर है 71 है ना। ये दिनों दिन अभी भी लगभग, अभी तो नहीं बोल सकते लेकिन सरकार जब तक थी तब तक ये बढ़ रहा था है ना। और हमारा आर्थिक सर्वेक्षण कब आता है, फेब्रवरी में, और सरकार का जो लास्ट ईयर है जो पिछला सरकार का वो अभी हाल ही में 1-2 महीने पहले खत्म हुआ है, और इसके बाद भी अंग्रेजी माध्यम के स्कूल खुल रहे थे, तो ये क्वेश्चन आने की संभावना तो नहीं है। अगर आ जाएगा तो आपको जो करंट का कुछ आंसर होगा उसमें से देख के लगाना होगा। छत्तीसगढ़ में कितने राजकीय विश्वविद्यालय संचालित है, ठीक है, छत्तीसगढ़ में कितने राजकीय विश्वविद्यालय संचालित हैं? तो इसका आंसर है 9 राजकीय विश्वविद्यालय संचालित है। अब इसको थोड़ा ध्यान से देख लेते हैं, आपके 9 राजकीय विश्वविद्यालय हो जाएंगे, राजकीय मतलब जो केंद्र राज्य सरकार के हैं, ठीक है, और एक हमारे जो केंद्र सरकार के हैं है ना, गुरु घासीदास वो हो गया, और 15 निजी विद्यालय हैं। अभी कुछ बढ़ गया होगा तो कुछ अपडेट आप देख लीजिएगा, ये आर्थिक सर्वेक्षण के हिसाब से है, 15 निजी विश्वविद्यालय संचालित है। राज्य में कितने शासकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान संचालित है, ठीक है, राज्य में कितने औद्योगिक प्रशिक्षण
संस्थान संचालित है? तो इसका आंसर है सी 186। कितना है? 186। इसको हम बोलते हैं आईटीआई, सॉरी आईटीआई कहते हैं ना, इसको हम क्या कहते हैं? आईटीआई कहते हैं, आईटीआई कहते हैं। छत्तीसगढ़ में कितने पॉलिटेक्निकल शिक्षण संस्थान है? पॉलिटेक्निक शिक्षण संस्थान कितने हैं? ये 48, ऑप्शन नंबर डी। एनएफएचएस 5 सर्वेक्षण के तहत 2020-21 में संस्थागत प्रसव प्रतिशत कितना रहा? संस्थागत प्रसव प्रतिशत मतलब जिनका जो माताएं हैं जन्म देने के लिए कोई अस्पताल में गई होंगी, चाहे प्राइवेट हो या फिर सरकारी हो, जो भी हो, है ना, यदि वो हॉस्पिटल में कराया जाता है उसको हम कहते हैं संस्थागत प्रसव। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, टोटल का 85% अस्पताल में, और जो अभी भी जो 15% जो माताएं हैं उनकी डिलीवरी घरों में या फिर किसी अन्य स्थान पर की गई है, खासकर घरों में। प्रधानमंत्री सुरक्षित मातृत्व अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से की गई है? ठीक है, प्रधानमंत्री मातृत्व अभियान की शुरुआत छत्तीसगढ़ में कब से की गई? इसका आंसर है 9/5/2016। सतत विकास लक्ष्य SDG 2030 में शिशु मृत्यु दर का लक्ष्य क्या रखा गया है? तो ये रखा गया है ऑप्शन नंबर सी 17। इसको हमने क्या कहा था पहले चैप्टर में भी, इस बात को बारे में जान लिया था। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के तहत छत्तीसगढ़ में कितनी बीमारियों को चिन्हांकित किया गया है? तो ये हमारे 6 बीमारियों को चिन्हांकित किया गया है। ठीक है, यदि नाम लिखना चाहे तो देखिए, ये हो गया हमारा मलेरिया, मलेरिया, डेंगू, डेंगू, जापानी एनाफिलिस या फिर फाइलेरिया, चिकनगुनिया, काला आजार इत्यादि है। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय क्षय उन्मूलन कार्यक्रम कब से शुरू हुआ? ठीक है, तो ये शुरू हुआ है 15/8/22 से। कब से? 15/8/22 से। छत्तीसगढ़ में दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया है? छत्तीसगढ़ में दृष्टिहीन नियंत्रण कार्यक्रम कब से प्रारंभ किया गया है? इसका आंसर है 1978 से। ठीक है, आंसर में लिया गया है 1978 से। मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत पात्र परिवारों को इलाज हेतु कितनी राशि दी जाती है? ठीक है, तो इलाज हेतु कितनी राशि दी जाती है? 20 लाख की राशि दी जाती है। प्रदेश में संचालित छत्तीसगढ़ महातारी एक्सप्रेस का टोल फ्री नंबर क्या है? तो इसका टोल फ्री नंबर है 102। छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 2022 में कितनी प्रतिशत थी? तो छत्तीसगढ़ में कुपोषण की दर 2022 में 17.76% थी। किशोरी बालिकाओं के लिए संचालित पूरक पोषण आहार योजना केंद्र एवं राज्य का अंश कितना है? केंद्र एवं राज्य का अंश कितना है? तो ये है 50-50, है ना, आधा आधा पैसा दोनों मिलाएंगे। प्रधानमंत्री मातृत्व वंदना योजना में कितनी सहायता राशि उपलब्ध कराई जाती है? ये कराई जाती है ₹5,000। अब मातृत्व वंदना ये है कि प्रसव पश्चात महिला को ये राशि दिया जाता है, सॉरी प्रसव पश्चात बोलता हूँ, प्रसव के दौरान, या फिर इसमें ना कुछ ये रहता है कि सबसे पहले आपको दिया जाएगा 1,000 जब आप इसका पंजीयन कराएंगे। ठीक है, और उसके बाद आपको 2,000 करके दो बार दिया जाएगा। ठीक है, यदि ये उनके लिए है जो माताएं पेट से रहती हैं, गर्भवती रहती हैं, तो गर्भवती के समय जब वो पंजीयन कराती है तो उनको 1,000 दिया जाता है, बाद में 2,000 का किस्त उनको मिलता है।
नोनी सुरक्षा योजना की शुरुआत कब से हुई है? तो नोनी सुरक्षा की योजना की शुरुआत हुई है 2014 से। महिला शक्ति केंद्र योजना छत्तीसगढ़ के कितने जिलों में संचालित है? ये संचालित है टोटल 11 जिलों में, ठीक है, टोटल 11 जिलों में संचालित है। मुख्यमंत्री कन्या विवाह योजना अंतर्गत विवाह हेतु अधिकतम कितनी राशि व्यय किए जाने का प्रावधान है? तो ये है 25,000 रुपये। अब यदि आप इसमें पूरा 25,000 का डिवाइड करना चाहते हैं, सॉरी, है ना, 25,000 का डिवाइड करना चाहते हैं, तो ये आपको कुछ अलग अलग प्रकार से मिलेगा, जिसमें ये 19,000 रुपये तक की आर्थिक सामग्री से ब्याह करने के लिए है एक किसी महिला का, उसमें 25,000 शासन देगी, उसमें 19,000 का आपको कुछ सामान खरीदना है, ठीक है, और 1,000 रुपये का जो बैंक ड्राफ्ट है वो दिया जाएगा, और शेष जो 5,000 रुपया है वो जो कन्या के लिए कुछ सामग्री खरीदना है, जैसे उसका साड़ी हो गया और कुछ हो गया, तो वो उनके लिए 5,000 रुपये। तो इस प्रकार से पूरा 25,000 राशि का भुगतान किया जाता है। सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के तहत प्रति माह कितनी पेंशन दी जाती है? तो सामाजिक सुरक्षा के अंतर्गत 350 रुपये प्रति माह दिया जाता है। सुखद सहारा योजना के तहत कितनी उम्र की विधवा और परित्यक्ता महिला को शामिल किया गया है? ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा 18 से 39 वर्ष, 18 से 39 वर्ष। मुख्यमंत्री पेंशन योजना की पात्रता क्या है? ठीक है, तो इसकी जो पात्रता है, पहला तो वो छत्तीसगढ़ का निवासी हो, ठीक है, 18 वर्ष या अधिक वर्ष की विधवा परित्यक्ता हो, ठीक है, 60 वर्ष से अधिक उम्र की वृद्धा हो, इन तीनों हमारा जो नियम है वो सब ठीक बैठता है, तो उपरोक्त सभी होगा। ठीक है, अब इसमें कैसा अंतर होगा ये थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। जैसे मुख्यमंत्री पेंशन योजना ना, तो पहला तो उसका मूल निवासी होना अनिवार्य है, ठीक है, और 18 या अधिक वर्ष की विधवा, या फिर यदि वो विधवा नहीं है फिर भी यदि वो 60 साल के अधिक उम्र का है तब भी उसको पैसा मिलेगा, और यदि उसके 60 साल उम्र नहीं हुआ है और 18 वर्ष से अधिक या विधवा हो या फिर परित्यक्ता है, तब की स्थिति में भी उनको पेंशन दिया जाएगा। राष्ट्रीय परिवार सहायता योजना में प्राकृतिक आकस्मिक मृत्यु हो जाने पर परिवार के मुखिया को एक मुश्त कितनी राशि दी जाती है? तो ये राशि है हमारा 20,000 रुपये। ठीक है, कितनी सहायता दी जाती है? तो 20,000। यदि किसी के परिवार में कोई मुखिया का डेथ हो जाता है, सिंपल आकस्मिक मृत्यु प्राकृतिक रूप से, तब उस परिवारजन को शासन की ओर से 20,000 रुपये मिलता है। ये बहुत कम लोग जानते हैं, ये आपके बहुत अच्छे काम की चीज है। वैसे व्यक्ति जिनके घर में वृद्ध व्यक्ति है या फिर गरीब आदमी है, उसके लिए ठीक है ना, उसमें कोई जरूरी नहीं है कि कोई एक्सीडेंट हो या फिर उसका कोई बीमा हो, ऐसा कोई जरूरी नहीं है, ठीक है, बस प्राकृतिक आकस्मिक मृत्यु हो, ठीक है, आकस्मिक मृत्यु होने पर उसको इस प्रकार की सहायता दी जाती है। बस इसका एक रीजन है कि 18 वर्ष से 60 वर्ष, 60 वर्ष तक की उसकी आयु होनी चाहिए, ठीक है, 18 वर्ष से 60 वर्ष तक की उसकी आयु होनी चाहिए। अगला देखते हैं, निःशक्त जन विवाह प्रोत्साहन योजना अंतर्गत वर वधु को निःशक्त होने पर कितनी राशि सहायता दी जाती है? तो ये दी जाती है 1,00,000 रुपया। यदि दिव्यांग जन, निःशक्त जन मतलब वर वधु दोनों को निःशक्त होने पर, याद रखिएगा महिला पुरुष दोनों निःशक्त हैं और आपस में विवाह कर रहे हैं, तो शासन की ओर से उनको 1,00,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाएगा। निःशक्त शिक्षा प्रोत्साहन योजना के तहत प्रोत्साहन राशि को आपको सुमेलित करना है, ठीक है, सुमेलित करना है, तो इसका आंसर हो जाएगा माध्यमिक परिश्रम का हो जाएगा 5,000, ठीक है, और माध्यमिक परीक्षण का 5,000, सॉरी थोड़ा सा इसमें मिस्टेक हो गया, तो ठीक कर लेते हैं ना, माध्यमिक परीक्षण का है 2,000, ठीक है, और उच्च माध्यमिक परिश्रम का है 5,000 रुपये,
ठीक है, और स्नातक और आईटीआई वाले को मिलेगा 6,000, और चिकित्सा तकनीकी व्यावसायिक शिक्षा को मिलेगा 12,000। ये इसका सही उत्तर है। निःशक्त जन सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत संघ आबलिक छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग की परीक्षा में चयन होने पर कितनी राशि दी जाती है? ध्यान से देखिएगा, ये केवल निःशक्त जन के लिए है, सामान्य व्यक्तियों के लिए नहीं है। ठीक है, किनके लिए है? निःशक्त जन के लिए है, सामान्य व्यक्ति के लिए नहीं है। तो इसका आंसर है 50,000 रुपये। यदि आप कोई निःशक्त जन है, संघ मतलब यूपीएससी या फिर पीएससी का एग्जाम फाइट कर लेता है और चयन हो जाता है, तब उनको सरकार जो है 50,000 रुपया अतिरिक्त, उनको नौकरी के अलावा अतिरिक्त भी उनको कुछ 50,000 रुपये का प्रोत्साहन राशि दिया जाता है। प्रदेश में कितनी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना संचालित है? ठीक है, प्रदेश में कितनी एकीकृत आदिवासी विकास परियोजना संचालित है? तो वो है 19। ठीक है, कितना है? 19। मुख्यमंत्री बाल भविष्य योजना के तहत कौन सी योजना का संचालन बंद कर दिया गया है? तो ये था हमारे निष्ठा, इसको बंद कर दिया गया है। ठीक है, इसका प्रारंभ हुआ था 2010 में। ठीक है, इसका प्रारंभ 2010 में हुआ था, लेकिन वर्तमान में निष्ठा को बंद कर दिया गया है। चलिए, ये था आज का हमारा वीडियो छोटा सा, जिसमें हमने सीखा कि कुछ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कुछ प्रश्न जो आने की संभावनाएं रहती है। इसके बाद हम मिलेंगे सीधा, हो सकता है बजट सेशन या फिर छत्तीसगढ़ के कुछ और टॉपिक को लेकर, क्योंकि हमारा यहाँ पे आर्थिक सर्वेक्षण जो आ सकता था वो हमारा टॉपिक लगभग खत्म हो गया। यहाँ पे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।